बैम बूम ब्रिंग दोस्तों, कैसे हो? क्या पोजीशन है? बहुत बहुत माफ पाड़ो महा चट्टू पॉडीचेरी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं GTA एंड्रॉइड में। ओह माय गॉड, खतरनाक। अगर आप यहाँ पे नए हैं सबसे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना ये वीडियो जो कि गेमिंग पसंद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो आप खतरनाक जंप हो रहा है, GTA 5 खेल रहा हूँ एंड्रॉइड में। नहीं, ये कोई क्लिक बेट नहीं है। आप देखा होगा बहुत से लोग क्लिक बेटर्स, आप 3-4 साल से ऐसे वीडियोज देख देख के परेशान हो गए होंगे क्लिक बेट वाले। यार बंदा दिखा रहा है फ़ोन में खेलता हुआ थंबनेल और अंदर देखे तो कुछ और ही काम काज चल रहा है। पर हम ये खेल रहे हैं ऑथेंटिक GTA 5 खतरनाक तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े लिए मैंने इस GTA 5 के गेम प्ले के अंदर। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और ये गेम प्ले वीडियो को मैं अब आगे लेके चलता हूँ लाइव कॉम्स की तरफ। जी हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा घुमा घूमी करा रहा हूँ यहाँ पे, बीच बीच में जो फोन एडजस्ट करना पड़ रहा है। हाँ चलो फोन एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फोन एडजस्ट। तो मैं अपने गैराज से ले आया अपनी कार, पर आपको हर एंगल से मैं एक्चुअली दिखा देता हूँ कि ये देखो ये एंगल, ये वाला एंगल मेरी एक ग्रोटो प्रोटो कार है, मतलब इसी ग्रोटो प्रोटोटाइप पर इतनी जबरदस्त चलती है। मैंने सोचा क्यों ना चेक किया जाए इस कार की पूरी तरह से। चेकिंग कर रहा हूँ मैं, लाइसेंस मेरा अंदर कबर्ड में रह गया है, पर कोई बात नहीं, बिना लाइसेंस के ही ट्राई करते हैं कि कैसे चल रही गाड़ी। आसपास और घुमाना होगा हमें। आगे बढ़ते हुए हम आगे निकलते चले जा रहे हैं इन गलियों में से, बाजू में से कार आती हुई और इतनी ज़बरदस्त स्पीड आसपास से निकल रहे हैं। यार क्या बात है, ज़बरदस्त नाइट्रोक्स बूस्ट का इजाफा कर रहा हूँ मैं बार बार, था कि थोड़ा सा बूस्ट सब ले सकूँ अपनी गाड़ी को। ओह खतरनाक हरियर हरियर गाड़ी को मैंने ठोका है ज़बरदस्त। मैं सोचा था बीच में निकल जाऊँगा मैं, दोनों के इतना गैप तो है कि मैं बीच में निकल जाऊँ, एक्चुअली में उतना गैप आ नहीं था। और ये जगह जगह आप जाके बताइए, जो सुपर कार्स होती हैं ना, इनका जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो स्ट्रीट के हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि ये सुपर कार्स हैं तो आप इनको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ तो ही बढ़िया है, और जब आप इसको सिटी में चला रहे हो तो बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। मुझे लगा था कि ये C4 मैं किसी और के ऊपर फेंक दूँ, बट आसपास कोई टारगेट मिला नहीं है जिसके ऊपर मैं ये C4 फेंक पाता। अब मेरी कार की हालत देखो, ग्रोटो प्रोटो फटोटो पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम याद होते नहीं यार, इनके सुपर कार का नाम बहुत ही अजीबो गरीब होते हैं। फिर भी मेरे जो मज़े का जो लेवल है ना यार, वो बहुत ही ज़बरदस्त आसमान छू के आसमान फाड़ के निकल जा रहा है यहाँ वहाँ। और हमेशा की तरह मैं बात करने में थोड़ा सा व्यस्त हो गया तो मेरा ध्यान भटका और देख रहे हो आप मैं वेस्टेड हो गया हूँ। वो वाली कार बकवास थी यार, इसलिए मैंने ये वाली ले मारी। मैंने बोला ये सबसे अच्छी है, पीली पीली मैंगो डॉली भाजी। जी हाँ देख रहे हो खतरनाक, ये कलर तो कुछ और था। मैंने क्या करा, इसके अंदर दूध में हल्दी डाल के फड़ाक धनी के मारा इस पूरी कार पे, सुपर कार पे, डबल रॉकेट एग्जॉस्ट वाली, और कर दिया मैंने इसे कलर मैंगो डॉली। क्या बात है, ये तो राइमिंग हो गई यार, डबल रॉकेट एग्जॉस्ट वाली, इसका नाम मैंने रख दिया मैंगो डॉली। ओह माय गॉड, क्या रैम करता हूं मैं, राइम 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 ब्रो राइम, खतरनाक। मेरे कंट्रोल्स आप देख रहे हो, ड्राइविंग कंट्रोल्स इतने फाइन है, इस डिवाइस पे भी, इस छुटपुया डिवाइस पे भी मेरे ड्राइविंग कंट्रोल्स आप देख रहे हो। मैंने रिवर्स कैसे चलानी चाहिए कोई आदमी मुझसे सीख ले आके, इस तरह से आपको खतरनाक हाईवे पर रिवर्स चलाओ, आसपास से आपके 20 गाड़ियां निकल जाए और आपको कुछ होना, तो इसी को तो कहते हैं असली ड्राइविंग। यार अब हुआ क्या ना, लाल गाड़ी ढंग से परफॉर्म कर पाई। हाँ मैं तो बहुत अच्छे से चला रहा था पर गाड़ी ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही थी। जब आप मिलियंस 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 ऑफ डॉलर्स की जब गाड़ी खरीदते हो और उसमें साली कोई ड्यूरेबिलिटी ना मिले, मतलब हल्की सी आपने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 100 किलोमीटर एन आवर की स्पीड से अगर आपने कहीं गाड़ी यहाँ वहाँ ठोक भी दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार गाड़ी का कांच टूट जाए, चिब्बी हो जाए यहाँ वहाँ से, पचक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, मेरे पड़ोसी वाली आंटी ने मुझे बोला कि यार एक बार तुम ये आजमाओ, मार्केट में आया है ना लाल ना पीली, करा दूंगा ऐसी कार जो नहीं है नीली। तो ठीक है ना, ये नीली कार नहीं है, ये ग्रे है। थोड़ा सा कंट्रोल मेरा इस पर बना तो मैं एकदम अचंभित हो गया, बोला यार ये तो कुछ लग रही है बात, इस माल में मतलब दम है, सब्सटेंस में दम है। तो कुछ नहीं, मैं मजा लेता चला गया और पूरे लॉस सैंटोस की गुमनाम गलियों में मैंने ऐसी गाड़ी चलाई है अकेले, ना बिना दुकेले, से कभी उस ब्रिज के अंडर में से, कभी अंडर ब्रिज में से, कभी यहाँ वहाँ से चलाता ही चला गया मैं, GTA छत करता ही चला गया, पता नहीं क्या क्या करता चला गया। तो पर मुझे मेरा मुकाम हासिल करने के लिए जो ठीक लगा वो मैं करता चला गया, और ये पता नहीं क्यों, पता नहीं ब्रिज पे खड़ी थी और ले दे के बम से नीचे आ गई। फिर मैं बोला चलो यार बम से नीचे आ गई तो कोई बात नहीं, और आगे बढ़ा लो हाईवे पे। अभी तक हम गुमनाम गलियों में घूम रहे थे, अब घूमेंगे हाईवे पे। अगर हाईवे पे चक्कर ही रहती है ना यार कि आपको एक लिमिटेड स्पीड में चलानी पड़ती है, और हल्की सी गाड़ी अगर आपने रोक दी तो पीछे वाला आपको निपटा के चले जाएगा, आप फैल जाओगे हाईवे पे, और ठीक है मालूम भी नहीं पड़ेगा कि सड़क कहाँ और आपका शरीर किधर है। ठीक है बॉडी बॉडी ब्रो बॉडी, शरीर नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा मीडियोकर हो जाता है। मैं बोला ठीक है आपकी बॉडी, वो इज योर बॉडी, तो आपकी बॉडी किधर है और शरीर किधर है मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बोला ऐसा हम होने नहीं देंगे, तो यही कारण है कि आप देख रहे हो हाईवे पकड़ पकड़ मैं तिर्रम फर्राट गति से जा रहा हूँ, एकदम स्पीड की गति से,
स्पीड की गति एक ही वर्ड है, बट मैंने बोला ठीक है दोनों को साथ में अगर जोड़ के बोल देंगे तो कई बार थोड़ी सी कॉमेडी और फन निकल आता है। और ये क्या है, बात बन नहीं रही है। असली जीटी का मजा तभी आएगा जब बड़ा माइकल या फ्रैंकलिन या ट्रेवर बाहर निकलेगा, और ट्रेवर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ट्रेवर से तो पंगा लेना ही मत ब्रो। ट्रेवर से जिसने पंगा लिया ना तो उसके तो उसका जीवन कलंकित हो जाता है। जो जीवन गाथा चली आ रही थी हाईवे पे, इसमें जिसने भी अड़चने डाली हैं उसके जीवन का मैं आज ही अंत करूंगा इस गोल्डन AK से। गोल्डन AK से ये ट्रक थोड़ा सा पावरफुल था, इसमें कुछ लगा नहीं, गोली वोली कुछ नहीं, और ट्रक वाले को फर्क भी नहीं पड़ा। और सारा स्काई कार वाला भी डरा नहीं, जबकि उसे कांच छूट गए कार के, डरा नहीं साला हुआ है, कोई डर नहीं रहा यार, एक ही चला रहा हूँ मम्मा मम्मे। ओ इस बंदे बोल के यहाँ हेडशॉट, तभी मुझे लगता है मुझे तो दिख भी नहीं रहा, उसको लगा क्या क्रॉसर शायद लाल हुआ था, हेडशॉट पड़ी उसको आगे रोक दी उसने गाड़ी। थोड़ा सा कवर ले लो मैं यहाँ वहाँ, वरना कई बार क्या होता साले हेलीकॉप्टर लेके ऊपर आए थे और भड़ाक बनी गई यहाँ वहाँ से स्नाइप कर देते, मालूम भी नहीं पड़ा कि कहाँ से निपटारा कर दिया अपना। यार इस भाई को तो मेरे रख के सीधे हेड भाई, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, अब बोले उसका टिकट का जो पैसा भरा था उसने खत्म हो गया। इसके आगे आपकी जर्नी खत्म होती है, समाप्त होती है, जाओ टोल नाके पे वापस। पहना पहना के दे रहा हूँ मैं, भेला भेला करके मारा है इनको, लेट गए तो भी मार रहा हूँ उनको, देखो सही टंगड़ी में गोली लगी थी तो फैल के लेट गया हो, छोड़ेंगे नहीं बड़ा। तू साइड में कहाँ भाग रहा है, ये अलग से भाग रहा है ओपन फील्ड में, कवर तो ले ले, सिखाया नहीं क्या तो कोडर ने, डेवलपर ने सिखाया नहीं कवर में बैठने का, डेवलपर सिखाया नहीं है। दो हेली चैप्टर के मैं, अरे रेलिंग आ रही बीच में, वरना हेली चैप्टर के मारू मैं, भमा भम भम पीछे से लग रहा है, बड़ बड़ कौन है, ये चिंगारियाँ निकल रही मेरे आसपास की, ये जो वॉल है ब्रोकन वॉल तो नहीं है, यहीं से चिंगारी निकल, भाई तू यहाँ खड़ा है पे सनसनाती में, ओ भाई बालकनी में, बालकनी में इनको निपटाओ, अरे बालकनी वालों को दो प्रसाद जरा, पहली फुर्सत में निकला रहा इनको, बालकनी वालों को तो पहली फुर्सत में दे भमा, हाँ दोनों गए भाई, हेडशॉट दिया, बालकनी का टिकट लगाए थे वो, अंतिम दर्शन करवा दिया मैंने उनको। अभी तो भाई इस हेली चैप्टर को देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चैप्टर बन रहा है ये तेरी, रुक जा बेटा LMG से, बहुत LMG आई तेरे को, अरे भाई गोली आर पार निकल गई हेलीकॉप्टर में से, बताए और ये तो दो तीन लोग नीचे कूद भी गई है टेरेस असासिन, लो पायलट को निपटाओ सबसे पहले, ये तो यहाँ गया गाड़ी के पीछे, यहाँ के लेट रहा है, मेरे को लगता नहीं मरा है, अरे भाई एक भी गोली लगी उसको, एम 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 ब्रो एम ब्रो, हाँ नीचे एम ब्रो एम ब्रो एम ब्रो, नीचे नीचे एम ब्रो एम ब्रो एम ब्रो, अरे मार देगा टिका देगा, हाँ वो भाई मेरे को लग रहा है उसको देख नहीं रहा था, बताया कार के पीछे से, अंतिम सांस तक लड़ना होगा आज मुझे, अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा मैं, सरकारी गुर्गों से लड़ना होगा मुझे अंतिम सांस तक, जो मेरे कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये सरकारी गुर्गे कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं, मैं इनको ठोकता चलूंगा, क्योंकि गोल्डी मेरा नाम, GTA मेरा काम, SG हाँ भाई और बहनों, मृत्यु के संकट के बादल हमारे ऊपर मंडराते हुए हमें भागना होगा, टेलीपोर्ट करना होगा, हमें लगता है हमें हमारा गेम प्ले आज यही खत्म करना होगा, छुपना होगा यहाँ वहाँ भागते फिरना होगा, देखते हैं कोई हमें ठोक ठाक के बराबर ना कर दे हमारा। वो फिर निकले बालकनी वाले, दो इनको बालकनी वालों को। यह जजिए जबरदस्ती से भजन मंडली कहीं चलती रहती ना तो ऊपर से छत पे से लोग बाग देखने लगते हैं। ओ माय गॉड ओ नो 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 ब्रो, पकड़ लिया गया है पकड़ लिया गया, अरे भाई एम करके मार दे, यस यस दे निपटारा करो, ये गोली का हूं मैं बस, अब तो मेरा गेम संभव है, बहुत ही संभव है, संभव नहीं संभव है, कितने सारे लोग आ गए भाई आगे पीछे से निपटा रहे मुझे, साउंड हो गया साउंड गायब हो गया बेटा, ओ माय गॉड सारा हो गया, मेरा एम क्या कर रहा हूं मैं, ये कोने में से मार रहा था सोलो ही, ओ भाई सोलो खड़ा था ओपन में, ओ ले वेस्टेड। ओह माय गॉड, आज का गेम प्ले दोस्तों इतना ही था, बहुत बहुत मजा आई होगी आपको ये गेम प्ले देखकर, मैं बोल रहा हूँ देख रहा हूँ, हेलो मैं दिख रहा हूँ आपको, ये कैसा हूँ मैं, हाँ माइकल बोला अरे कोई पैदरा काम नहीं आया साला, हट जाओ फिर से स्पॉन हुआ हॉस्पिटल में। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों ये आप सभी का वीडियो देखने के लिए, दोस्तों के साथ में शेयर करो जो कि गेमिंग पसंद करते हैं, आने वाले वीडियोस में आने वाली लाइव स्ट्रीम्स में मैं आपसे फिर मिलने वाला हूं, मैं हूं गोल्डी, भारत माता की जय, और सब्सक्राइब करो यार अभी तक आपने किया नहीं, तो दोस्तों के साथ में शेयर करो जो कि गेमिंग पसंद करते हैं, मैं चलता हूं, बाय बाय।